और उसी पे फिर जैसे विन्नी गिरी थी ना कल, ऐसे लोग स्किड होंगे ठीक है, गाड़ियां भी मतलब से लोग ब्रेक लगाते हैं। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी फाइनली मैंने बैथ ले लिया है। आज मैंने अपना ब्राउन कलर का स्वेटर पहना है, बहुत टाइम हो गया था मैंने ये वाला नहीं पहना था। मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ, अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर जल्दी से स्कूल चलेंगे। एंड गाइस, आज तो मतलब इतनी ज्यादा ठंड नहीं हो रही है, मम्मा भी बिना कैप के आई है और मैंने भी देखो ग्लव्स नहीं पहन रखे, बिकॉज इतना ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं हो रहा है, एकदम नॉर्मल हो रहा है। ऐसे मौसम में तो आप कहीं घूमने भी जा सकते हो, तो एकदम बढ़िया सा मौसम हो रहा है बिना ग्लव्स के। और मैं हैट लगा ली फिर भी कि थोड़ा सा मतलब रही, लेकिन मम्मा ही लगाई बिकॉज बढ़िया तो थोड़ा सा तो कर सकती है। स्नैक्स में क्या बना रहे हो? ये वेजिटेबल चीला है, सूजी वाला। अच्छा, तो आज ये बनाने वाले हो? आज ये बना दूंगी, हेल्दी भी है। इसके जैसे एक और चीज बनती है ना? हाँ, उत्तम। अच्छा, उत्तम उस पर डिफरेंस होता है, उसको जो बनाते हैं ना उसकी सब्जी जरूर ऊपर से डालते हैं सारी। अच्छा, इसमें मैंने मिक्स कर दिए, उसमें सब्जी सारी ऊपर से डालते हैं। अच्छा है, लेकिन सिमिलर थिंग ही। हाँ, सेम ऐसे बनता है पर सब्जी ऊपर से डालती है उसके। बताओ कि आप चाय की इतनी शौकीन हो, किसी दिन अगर चाय पत्ती बंद हो गई तो आप क्या करोगे फिर? कुछ भी नहीं, नहीं पीने के फिर। अच्छा, मैं तो जब देखता हूँ कि आपको रोज एडिक्शन, आप रोज तो एक बार ही पीते ही हो, फिर क्या होगा जब नहीं मिलेगी चाय पत्ती बंद नहीं होने की, सब चाय पीते हैं। पर जल्दी से रेडी करके दे दो ना, भूख लग रही है। हाँ, बस हो गया देरी। अच्छा देखो गाइस, मम्मा की चाय भी रेडी हो गई है, मस्त वो अपना ले रही है और मैंने भी अपने ले लिए आज के स्नैक्स। और देखो यार, हमारे सास भी आ रही है तो मस्त अपना चीला खाते हैं। विनी, पता है देखो, जैसे अभी तो पिछले दिनों इतना ज्यादा ठंड हो रही थी, -30 माइनस मतलब 40 माइनस 50 तक टेम्परेचर जा रहा था, फील्स लाइक। और अभी मतलब मैं जो देख रहा हूँ ना ऐप के ऊपर, वो तो पूरा वीक प्लस में आ रहा है टेम्परेचर। तुम भी देखो जरा एक बार अपना फोन खोलो। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे ये वेदर ऐप है तो अभी तो दिखा रहा है -3 है, लेकिन अभी देखते हैं फील्स लाइक कितना हो रहा है। तो फील्स लाइक -6 है, ये तो -6 फील्स लाइक है। तुम देखो इसको ऐसे करो, ये जो पूरे वीक का है ना गाइस, गाइस ये देखो मतलब +2, +3, +5, +6, +6, +7, +5, मतलब अगले जो आने वाला वीक है मतलब पूरा वीक प्लस में आ रहा है अब की बार, मतलब एक तरीके से। तो गाइज ऐसा है कि इतना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, हम लोग लास्ट अभी मतलब 15-20 दिन के जो अभी डिफरेंस गया है उसमें थ्रू आउट मतलब ऑन एन एवरेज -30 के अराउंड था, और आप लोगों ने तो वो स्पाइक भी देखा है जो मतलब हम लोग -50 के आसपास तक गए थे। बट उस चीज़ को देखें तो ऑन एन एवरेज -30 तो था ही, और अभी ऐप के ऊपर दिखा रहा है इन अ वीक इन अ स्ट्रेच बिल्कुल सारा प्लस में ही है। और गाइज सबसे बड़ा मतलब इसका एक तो जो फायदा होने वाला है, फायदा ये होगा कि हम लोग मतलब बाहर मजे से घूम सकते हैं। उस सर्दी में तो हमारी मतलब इतनी सिट्टी पिट्टी घूम थी, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बस अपना ऑफिस गए भाग दौड़ के, कैसे भी अपना पूरा आपने देखा ये पूरा कवर कर करके डबल डबल से कैसे करके हम लोग जा रहे थे, है ना, 3-3 लेयर पहन के जा रहे थे। तो अब वो सब की जरूरत नहीं है, वो तो बढ़िया हो गया हम लोगों के लिए। बट खराब चीज़ ये होने वाली है गाइस, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि जो स्नो थी ना अभी तक की, वो सारी मेल्ट हो करके इस जो गर्म टेम्परेचर की वजह से वो पूरी की पूरी एकदम से पानी हो रही है ना। और जैसे मैंने अभी ऐप के ऊपर दिखाया आपको, जो उसकी राइट वाली साइड थी वो तो पॉजिटिव में है, मतलब प्लस में टेम्परेचर है, तो वो तो क्या कर रहा है कि दिन के टाइम में रहता है अक्सर करके, वो स्नो को मेल्ट करके पानी कर देगा, और उसकी लेफ्ट साइड थी वो उसका मिनिमम था, तो विनी वही क्या करेगा कि वो पूरा का पूरा रात के टाइम में उससे स्नो का जो वाटर है वो वाटर का एकदम से क्या फ्रीज होकर के वो बन जाएगा, आइस बन जाएगी। और उसी पे फिर जैसे विन्नी गिरी थी ना कल, ऐसे लोग स्किड होंगे ठीक है, गाड़ियां भी मतलब से लोग ब्रेक लगाते हैं ना कई बार, तो वहीं पर नहीं रुकती गाड़ी, आगे तक जाके रुकती है। पर सारी सड़क साफ कर रखी थी स्नो से, जो कल पूरी भर रही थी ना, आज सारी साफ थी, साफ कर रखी थी सारी। अच्छा, जो मतलब अभी तक स्लग सी बन रही थी वो उसको, हाँ, सारी हटा रखी थी, हटा रखी थी वो। गुड गुड गुड। एंड गाइज अभी मुझे आते तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, और तुम लोग को कैसा रहा जैसे अभी गए थे तुम लोग बाहर? अभी मैं तो बिना कैप के गई थी। बिना कैप के गए थे? ठंडी लगी सही में? नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, ना हवा चल रही थी,
मैंने तो कैप पहन रखी थी लेकिन मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे थे, तो अगर मैं हाथ बाहर निकाल जैसे पहले तो मतलब माइनस में टेम्परेचर था, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर था, हाथ बाहर निकलते भी नहीं थे ग्लव्स के साथ भी। हम लोग को मेटेंस और ग्लव्स का एक बार साथ में पहनने पड़ते थे, इतनी ज्यादा इंटेंस ठंड हो रही थी। लेकिन अब ऐसा टेम्परेचर हो रहा है कि अब अगर आप बिना ग्लव्स के हाथ बाहर निकालो आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, तो बिल्कुल ऐसे ही था आज का वेदर। सो गाइज, ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ये अभी मतलब बहुत शार्प मतलब ठंड आई थी वो वापस से फिर से स्पाइक मारे, पर जब तक वो नहीं आएगी तब तक तो मतलब हम लोग मजे कर सकते हैं फुल। हाँ। तो ये अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया, तो आप लोग भी फुल एंजॉय करो इस टाइम को, हम हाँ। लोग भी करते हैं। सो गाइज, मैं तो निकल रहा हूँ अभी YMCA के लिए, थोड़ा सा वर्कआउट करके आता हूँ फटाफट अपना, बढ़िया मौसम हो रहा है तो वो भी चीज़ अभी एंजॉय हो जाएगी। अभी तो यहाँ पे हो रहा है 25 जनवरी का 8:00 इवनिंग में, तो इंडिया में अभी 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस स्टार्ट हो चुका होगा। सो गाइज, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइज। एंड गाइज, जैसे हमारे यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री जी लीड कर रहे हैं हमारे देश को, और हम अभी GDP में जैसे लास्ट अभी जब मोदी जी आए थे तो हम लोग 10वें नंबर पर थे, और अभी इस इनके टेन्योर में हम लोग आ चुके हैं GDP में 5th नंबर पर। एंड जैसे गाइज, उनका भी टारगेट है ना कि इस अगले 5 साल में हमें वर्ल्ड के अंदर GDP में 3rd नंबर पे आना है। तो गाइज, मतलब बहुत अच्छा मतलब मौका है आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए। जैसे पता है ना, महाभारत के युद्ध में जो कृष्ण भगवान थे वो सारथी बने थे अब पांडवों के, तभी वो मतलब युद्ध जीत पाए थे, वरना शायद मुश्किल था। ऐसे गाइज, अभी हम लोगों के लिए भी मौका है, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सारथी बने हुए हैं, तो मौका है भाई इस महाभारत के युद्ध को जीत लेने का और अपने आप को वर्ल्ड में साबित करने का कि भाई हाँ, हम लोग कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं गाइस। एंड गाइस, मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, जैसे मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को डेवलप होना है ना, और हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो मतलब मैंने चीज़ नोटिस की अभी तक अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ का है, वो है टैलेंट का। एंड गाइस, जैसे हम लोगों के यहाँ पे ना, हम देखते हैं कि हम लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं, हम डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, पर कई बार क्या होता है जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं ना, फिर वहाँ पर हम क्वेश्चनों के सामने फेल हो जाते हैं, तो उससे निकल के आता ना एक्चुअली हमारे अंदर मतलब टैलेंट की कमी है। हमने डिग्री तो ले ली बट टैलेंट की कमी है गाइज। तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, जब मतलब मैं पढ़ाई करता था, कोई मुझसे मेरी किताब में से क्वेश्चन पूछे कि भाई आपने मतलब ये वाले इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो शायद मैं उसका आंसर दे दूँ क्योंकि मैंने उनको नोटबुक में लिखा हुआ था और मैंने उनको याद कर रखा था। बट अगर कोई मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करे, बिल्कुल उनसे हट करके कुछ भी ऐसे उठा के कुछ भी पूछ ले, तो शायद मैं ना बता पाता उस चीज़ का। तो गाइज, मैं जैसे मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, मतलब मैं ये डिफरेंस देख रहा हूँ अभी यहाँ पर कि वो एक्चुअली चीज़ों को ना मतलब पढ़ नहीं रहे, वो एक्चुअली चीज़ों को सीख रहे हैं। मतलब मैं उनसे कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लेता हूँ जो पढ़ के आए हैं, वो उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छे से बता देते हैं गाइज। तो ये चीज़ का एक डिफरेंस है। मुझे तो ये लगता है कि हम लोगों को ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, जब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ों को सीखें ज़रूर, तो उसी से क्या होगा कि ना टैलेंट भी डेवलप होगा। जैसे आज की डेट में अगर आप ये सोचो कि इंडिया जब मतलब मोमेंटम इस पे है कि हम GDP 5th से GDP 3 पर आएंगे, वो गाइज ऐसे नहीं होगा। मतलब बहुत सारी जॉब क्रिएट होंगी वहाँ पर इंडिया के अंदर, बहुत सारे बिजनेस रन करेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी हम सब लोगों के लिए। तो उस चीज़ों को मतलब हम कैसे अचीव कर पाएंगे, जब हम वो चीज़ तभी होगी ना गाइज, जब हमारे पास में अच्छी स्किल होगी, अच्छा टैलेंट होगा। तो गाइज, मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को उस लेवल पर लेके आएँ, जो हमारा मतलब एक तरीके से सोचने का तरीका है ना कि हाँ, केवल हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में ना हम लोगों को अपना जो टैलेंट है वो डेवलप करना पड़ेगा गाइज। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ के बारे में सोचो कि क्या इसमें कुछ है आप लोगों के लिए भी। अगर आप लोग को लगता है कुछ अच्छा है तो प्लीज़ उसको मतलब आगे फॉलो करने की कोशिश करना, और इस तरीके से हम लोग मतलब अपने आप को टैलेंटेड बना करके जितने भी आगे आने वाले मौके हैं ना गाइज, उन चीज़ों को हम लोग फिर कैश कर सकते हैं और अपने देश को भी डेवलप करेंगे, खुद भी डेवलप होंगे। सो गाइज, आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइज, अभी फाइनली नाइट टाइम हो गया और अभी मैं स्लीप करने वाली हूँ। और जैसे कि आज आप लोगों ने व्लॉग में देखा कि हम लोगों ने बताया कि या तो आज कैसे टेम्परेचर मतलब 1 डिग्री में आया, मतलब स्नो मेल्ट हो रही है, और फिर जब रात का टाइम होता है वो मतलब उस टाइम मतलब माइनस में टेम्परेचर होता है तो आइस जम जाती है, ब्लैक आइस बन जाती है। और मैंने आपको अपनी स्लिपिंग वाली स्टोरी भी बताई जिसमें मैं फिसल गई थी। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।